चुके हैं, फर्स्ट एपिसोड था राखी के साथ, हाँ. तो राखी के साथ क्या कुछ धमाल किया है, क्या कुछ मालूम पड़ा है, लाइक राखी का एक कैरेक्टर जो आपने नहीं देखा होगा आपके लिए भी नया ही कुछ होगा. तो राखी के साथ मैंने पहले भी काम किया है फॉर द सेम शो जो मैं कृष्णा के साथ करती थी, कॉमेडी क्लासेस एक शो था हमारा, उसमें राखी पहले भी आई है. तो अगर आपको राखी के साथ, आई थिंक इट्स वेरी इजी टू वर्क विद हर बिकॉज शी देयर आर नो बैरियर्स. वो कुछ भी सेंसर करके नहीं बोलेंगी, वो जो उनके मन में वो बोल देती हैं. तो इट्स अ लॉट ऑफ फन क्योंकि इवन इन द एपिसोड शी वाज सेइंग अ लॉट ऑफ फनी थिंग्स लोगों के बारे में कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये मेरे पीछे जिम में पड़ा था. सो वर्किंग विद हर इज आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ फन. वो जो बोलते हो मन में है उनके वो बोल देती है, मतलब उनके साथ आपको बातें निकलवानी नहीं पड़ती कि अच्छा ये भी बताओ, वो खुद ही इतना बोल देगी कि आप बोलते हो आप रुक जाओ मत बोलो. सो आई थिंक विद राखी को उनके साथ ऐसे शोज करने में बहुत मजा आता है, कॉमेडी शोज करने में. राखी के क्या कुछ पोल आप लोगों ने खोले, क्योंकि पोल खुलना तो है. राखी के साथ बहुत सारी, जैसे बहुत सारी उनके साथ फ़नी बातें भी हुई थी. सब कुछ तो एपिसोड में भी नहीं आता है क्योंकि छोटा वो होता है, बट बहुत सारी उनकी फ़नी फ़नी चीज़ें उनसे रिलेटेड हमने बात करी थी. जैसे कि एक पार्ट था जहाँ पे उनको बोलता है कि आप स्पाइडरमैन बनिए. ओके, तो एक कि आप स्पाइडरमैन बन के गई थी ना बिग बॉस के घर के बाहर, तो अच्छा स्पाइडरमैन तो बनी लेकिन ऐसा क्या जाल मारा है आपने कि सीधे दुबई का लड़का फंसा लिया. सो ऑल दीस फनी थिंग्स उनके साथ करके, एंड शी डजंट माइंड आल्सो, शी टेक्स इट इन अ वेरी फन वे. तो उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है. साथ ही हमने अभी श्रीजिता से भी बात की, बहुत कुछ बातें उनसे हुई है, बहुत सी उन्होंने भी लाइक अपने मन की बात कही है जो उनको बुरी लगी है, जो उनको अच्छी लगी. लेकिन आपसे जानना चाहेंगे श्रीजिता के साथ आपका कन्वर्सेशन कैसा हुआ, क्या कुछ उन्होंने अपनी मन की बात आपके शो में बताएं. सो ऑनेस्टली जब हमें पता नहीं था पहले तो एलिमिनेट कौन हो रहा है, तो वी वर ऑल्सो वेटिंग. लेकिन जैसे ही एलिमिनेशन हुआ और हमें पता चला श्रीजिता आने वाली, तो थोड़ा शॉकिंग था बिकॉज आई वॉज पर्सनली नॉट एक्सपेक्टिंग हर, बट देन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग हर. देन वो आई, तो पहले तो हमें ये था कि यू नो एकदम अभी जस्ट एलिमिनेशन हुआ है तो शी मस्ट बी अपसेट. तो आपको भी थोड़ी बाउंड्रीज रखनी पड़ती हैं कि दूसरे इंसान का इमोशंस भी, यू हैव टू बी केयरफुल, ऑफेंड नहीं कर सकते उन्हें कि कॉमेडी में कहीं पता चले आप यू नो कुछ ऐसा बोलते हैं बुरा लग जाए. तो एवरीबॉडी वाज अ लिटिल कंसर्न कि यू नो हमें थोड़ा स्लो, वी हैव टू टेक इट अ लिटिल स्लो. बट देन शी केम एंड शी वाज वेरी नॉर्मल, शी वाज स्माइलिंग एंड शी वाज वेरी सपोर्टिव, बट शी वाज अ गुड सपोर्ट. बहुत अच्छे से उन्होंने हर चीज़, उन्होंने जोक्स भी लिए अपने ऊपर और उन्होंने बहुत सारी बातें करी भी. आई थिंक शी वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने दिल से जो भी था, जैसे शी मेड इट वेरी क्लियर दैट आई डोंट लाइक टीना मींस आई डोंट लाइक टीना, आई डोंट लाइक दिस पर्सन, आई डोंट लाइक दिस पर्सन. शी वाज वेरी क्लियर एंड शी वाज वेरी ऑनेस्ट. आई रियली लाइक दैट.